प्यारे बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों और सभी फिक्रमंद वालिदैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप सोच रहे हैं कि मैं अचानक इस तरह सामने आ गया हूँ बिना एनिमेशन, बिना किसी जो है अब्दुल बारी वीडियोस के। दरअसल बात ये थी कि रमज़ान करीब है, 8-9 दिन बचे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह मैं इस तैयारी में लगा हूँ उसी तरह आप भी जो है रमज़ान की पूरी तैयारियों में होंगे। तैयारी जो खाने पीने की नहीं, कि क्या हमारा मेन्यू हो, कैसा हो मेन्यू, इस चीज़ की कि किस तरह हम नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा बटोर सके, किस तरह हम अपने अंदर की जो छोटी मोटी बुराई होती है, जो हमारे अंदर बुरी आदतें होती है उसको किस तरह हटाई जाए, और जो हमारे अंदर अच्छी आदतें नहीं उनको किस तरह हमारे अंदर लाया जाए, इसकी प्रैक्टिस की तैयारी इंशाल्लाह है ना। हमारे नमाज़ों की पाबंदी की तैयारी, जमातों के साथ नमाज़ पढ़ने की तैयारी, और बहुत से जो अहकाम है जो इस्लाम हमें सिखाता है उन्हें सीखने की, उन्हें अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने, एस्टाब्लिश कर देने की तैयारी इंशाल्लाह। दोस्तों, इस ईद से पहले मैंने जो है इस चैनल में सोचा आपके तमाम बच्चों को दुनिया भर से जो है उन्हें दिखाया जाए। दरअसल क्या होता है कि बच्चे हमेशा अब्दुल बारी एनिमेशन देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, है ना, और वैसा जो दुआ पढ़ते सीखते, आप लोगों के तमाम कमेंट्स में पढ़ते रहता हूँ माशाल्लाह, बहुत खुशी होती है और ये एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है मेरे लिए कि मैं बहुत ज़्यादा और एनिमेशन पढ़ता हूँ। मैं ही नहीं, मेरे बच्चों के लिए जो वो भी जब कमेंट्स को आपके पढ़ते हैं तो वो भी बूस्ट हो जाते हैं और जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं हम लोग इंशाल्लाह। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए देखा कि ये वन साइडेड है, तो इसे क्यों ना इंटरेक्टिव बनाया जाए कि आपके बच्चों के जो वीडियोज़ यहाँ पब्लिश की जाए चैनल में, चूँकि बच्चे अब्दुल बारी कैरेक्टर को और एनिमेशन को पसंद करते हैं, तो जब उसके ग्राफिक के साथ अगर इनकी वीडियोस चलाई जाए तो बच्चे पसंद, खुशी होगी उन्हें इंशाल्लाह, और वो जो थोड़ा मोटिवेट होंगे वो दुआओं को और ज़्यादा सीखेंगे इंशाल्लाह। तो इसीलिए मैंने हम नेक बच्चे आओ नेक बने इस उन्वान के तहत सब एक सोचा क्यों ना आप लोगों के तमाम वीडियोज़ को ली जाए, है ना। आप इसके तहत जो अपने बच्चों के 15 सेकंड के मैक्सिमम 15 सेकंड, अगर 5 सेकंड आगे पीछे हो ठीक है, कम से कम छोटी वीडियो हो। दरअसल बहुत लंबी वीडियो हो जाए, जैसे वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, हमने पिछले कई साल पहले भी किया था तो लोगों ने बहुत सारे वीडियोस, एक वीडियोस आप बनाकर भेजें अच्छे से, उनके उनसे उन्होंने जो दुआ पढ़ा हो या कोई मैसेज हो, तो आप 15-20 सेकंड का अपने बच्चे का वीडियो बनाएं और उसे हमें भेजें। इसकी जो लास्ट डेट है 20 मई की जो शाम तक आप हमें तमाम लोग जो वीडियोस को भेज दें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर उसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे उसे हम जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो सबमिशन का जो डेट ऑफ सबमिशन है, लास्ट डेट है वो 20 में, आप इसको ध्यान में रखें। उससे पहले अपने बच्चे का वीडियो रिकॉर्ड करें। आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखें कि आपके बच्चे की वीडियो जो है एक अच्छी तरह से लाइट हो, है ना, ये विंडो लाइट पड़ रही हो घर में, या डे लाइट हो, या फिर आपके घर की जो इंडोर लाइट्स हो उसके सामने जो बच्चे की रिकॉर्डिंग करें, और जो आप कैमरा जो है मोबाइल कैमरे से आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसको ऐसा आड़ा रखें, उसको हॉरिजेंटली ले, ऐसा वर्टिकल खड़ा नहीं रखें, है ना, ऐसा करके ले उन्हें। बच्चे का जो है आप सर के ऊपर से लेके एटलीस्ट बिलो चेस्ट, या आप यूँ कहें कि कमर तक की वीडियो लें तो अच्छा लगे इंशाल्लाह। शेक ही नहीं करें वीडियो, है ना, आप यहाँ से वहाँ हिले नहीं, बच्चे को एक जगह खड़ा रखें या बिठाए और आप सामने से वीडियो लें इंशाल्लाह, ताकि वो बच्चे की जो वीडियो जो है वो खूबसूरत होकर आए। आप दूसरी एक अहम चीज़ का ख्याल रखें इसमें कि ऑडियो नॉइस, एम्बियंट सराउंडिंग नॉइस बहुत ज़्यादा ना हो ऐसी जगह, या बंद कमरा हो, या लेकिन बंद कमरे में भी ख्याल रखें इको बहुत ज़्यादा ना हो, है ना, क्योंकि उससे जो ऑडियो ख़राब हो जाती है। तो आप ऐसा जहाँ रूम है आपका, जहाँ पे बेडरूम है या मेन हॉल है या बाहर आउटडोर पे, तो इको का सवाल नहीं होता है। अगर घर के अंदर है तो आप देखिए कि जहाँ पे ज़्यादा फर्नीचर्स है, ताकि आपकी जो आवाज़ एब्जॉर्ब हो जाए, है ना। जैसे भी आप 2-3 मरतबा रिकॉर्ड करें, जो बेहतरीन रिकॉर्ड हो उसे आप हमें भेजें इंशाल्लाह। तो दोस्तों याद रखें, आपको इसे भेजना कहाँ है, हमने डिस्क्रिप्शन में भी जो ईमेल आईडी दे दिया, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर मैं भी ये लिख रहा हूँ, ये लिखा हो, जो आप लोअर थर्ड देख रहे हैं आप इस पर जो है इस ईमेल पर हमें अपने वीडियोस को भेजें। बहुत सारे लोग पूछते हैं वीडियो कैसे भेजें, आज की तारीख में बहुत आसान है कि आप जो गूगल ड्राइव में उसे अपलोड करें और उस लिंक को हमसे शेयर कर दें। अगर मोर देन 25 MB से ज़्यादा एक्सीड करती है अगर आपकी फ़ाइल, तो आपको गूगल ड्राइव से भेजना है, वरना आप डायरेक्टली ईमेल से भी भेज सकते हैं इंशाल्लाह। तो जीमेल के ज़रिए भेजें, आसान होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, बच्चे जो हैं आजकल तो हर एक के हाथ में मोबाइल है और यूट्यूब भी अपने हाथ में, हर एक चाहे रिकॉर्ड करे, अपने बच्चों को डाले, पब्लिश करे, तो हम यहाँ क्यों भेजें। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि बच्चों को जो एक इंटरेक्टिव इंटरेक्शन होता है, उनको जो एक अच्छा लगता है, वो जिस कैरेक्टर को पसंद करते हैं ना अब्दुल बारी को तमाम से, उसके साथ जब वो इस चैनल में देखते पूरे दुनिया भर में, तो उन्हें खुशी महसूस होती है, है ना, वो हम उन्हें एटलीस्ट मोटिवेट कर सकते हैं इस जरिए से इंशाल्लाह। इसलिए आप ज़रूर बनाएं अपने वीडियोस को, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप तमाम लोग वीडियो बनाकर हमें भेजें। अलावा इसके आप एक और वीडियो बनाकर भेजें, हम चाहते हैं कि इस ईद में दुनिया के तमाम इलाकों से, दुनिया के तमाम दूसरे
दूसरे जो कंट्रीज़ है, दूसरे देशों से जो है, हर इलाके से जो है हमें ईद मुबारक कहकर भेजे या कोई मैसेज देना चाहे, ताकि जो वो तमाम दुनिया के जो बच्चे अलग अलग कंट्रीज़ के, वो एक दूसरे से जो है अपनी खुशियाँ शेयर करें, है ना, वो एक दूसरे को मुबारकबाद दें इंशाल्लाह। तो दो वीडियोज़ आपको भेजनी है, दोनों आपको ईमेल करें सेपरेटली, दो वीडियो, है ना। एक होगा आपका माय दुआ वीडियो, जिसमें जो है हम नेक बने, हम नेक बच्चे इस उनवान पर हैं कि आपको अपने बच्चे के 15 सेकंड की वीडियो की भेजनी है, जिसमें वो दुआ पढ़ेंगे या कोई हदीस कहेंगे, और दूसरी वीडियो जिसमें वो ईद के ताल्लुक से कुछ बात कहेंगे, कोई मैसेज पैगाम देना चाहेंगे, या साथ में ईद मुबारकबाद देंगे पूरी दुनिया के तमाम लोगों को इंशाल्लाह, है ना। इस वीडियो को भी आपको 10 सेकंड मैक्सिमम करना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड बहुत ज़्यादा हो जाए, ताकि जो हम बहुत सारे बच्चों के वीडियोस को एक वीडियो में दिखा सके और बहुत लंबा ना हो जाए इंशाल्लाह। दुआ की दरख्वास्त है, उम्मीद है आप लोगों के वीडियोस हमें जल्द से आना शुरू होंगे इंशाल्लाह, है ना। आप लोग जो बताए हुए ईमेल पर भेजें इंशाल्लाह, और जिन बातों को मैंने बताया उन बातों का ख्याल रखें ज़रूर इंशाल्लाह। दुआ की दरख्वास्त है दोस्तों, जल्द लौटेंगे कुछ नए एपिसोड के साथ इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।